प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बदायूं में सपा विधायक आशुतोष मौर्य की दबंगई देखने को मिली है। सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने एक कर्मचारी को जमकर पीटा। दरअसल विधायक अपने कुछ साथियों के साथ बिजली घर पहुंचा था और बिजली क्षेत्र में बार बार बिजली घर में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान बिजली घर में कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की गई। अभद्रता, मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अब वायरल हुआ वीडियो को संज्ञान में लिया गया है और मामले में केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जनपद बदायूं के थाना बिसौली थाना क्षेत्र के 33/11 विद्युत उपकेंद्र टाउन के एसएस श्री अभिषेक मिश्रा द्वारा थाने पर एक तहरीरी सूचना दी गई कि कल रात्रि लगभग 12:05 पर स्थानीय विधायक श्री आशुतोष मौर्य द्वारा बिजली घर पर आकर के और इनके साथ अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसको भी संज्ञान में लिया गया है। इस संबंध में थाना बिसौली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। शाम 6:30 मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंचेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में डिनर भी करेंगे। बता दें कि 30 अप्रैल को दिल्ली में ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस भी होगी और 6 साल बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। संभल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने और तेज आवाज बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज कम कराने का सिलसिला शुरू हुआ है। बता दें इस अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने जिले के 100 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए और करीब 1550 लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम कराया। इस दौरान SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि धर्मगुरुओं से संवाद के बाद लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और ये अभियान जारी रहेगा। जनपद संभल में शासन के निर्देशानुसार धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित करके जो धार्मिक स्थल हैं उनसे लाउड स्पीकर उतरवाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अब तक 100 से ज़्यादा स्थानों पर लाउड स्पीकर उनके धर्मगुरुओं द्वारा स्वयं से अपनी स्वेच्छा से उतारे गए हैं। कुल 1550 के करीब लाउड स्पीकर की आवाज़ उनसे बात करके कम कराई गई है। इस तरह से यह अभियान आगे आने वाले समय में भी चलता रहेगा और इसमें लगातार पुलिस व प्रशासन के साथ में धर्मगुरु। माहे रमजान अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को जिले के कई ईदगाह और मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए और जिले के सभी मस्जिदों में शांति व्यवस्था देखने के लिए 37 स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए। बता दें कि नमाज सकुशल संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत महसूस की। खबर उन्नाव से है जहां जामा मस्जिद और ईदगाह में अलविदा जुमे की नमाज के मद्देनजर DM और SP ने जामा मस्जिद और क्षेत्रीय मस्जिदों का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा के संबंध में लोगों से बातचीत की और गड़बड़ी होने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की गई, जिसके बाद जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों में शांति व्यवस्था को लेकर भ्रमण किया। DM ने 1 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगे होने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। बहुत स्पष्ट निर्देश है कि उसकी तीव्रता इतनी रहेगी कि परिसर के अंदर ही सुनाई पड़े, बाहर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए जिससे आमजन उससे प्रभावित ना हो। बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनका डिस्टर्बेंस होता है, तो ये निर्देश दिए गए हैं। और ये भी निर्देश दिए गए कि जितने ज़्यादा लगे हैं उनको उतरवा के रखवा लिया जाए, लेकिन ये जो भी होगा क्योंकि इसमें जन सामान्य का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए आपसी सहमति से चाहे वो मंदिर में हो चाहे मस्जिद में हो हम लोग बैठ के सामंजस्य। रमजान के आखिरी जुमे को नम आंखों से रोजेदारों ने अलविदा की नमाज अदा की और शाही जामा मस्जिद में नमाज से पहले उलेमाओं ने खुतबा दिया और इस दौरान इमाम और धार्मिक गुरुओं ने दुनिया के हालत और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की और वतन, मिल्लत और कौम के तरक्की की दुआ मांगी। इस दौरान नमाज अदा करने के समय आगरा SSP, SP और सिटी ADM के साथ थाना मंटोला पुलिस भी मौजूद रही। मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी का मुतवल्ली हूँ, आजम खान मलिक। मैं सबसे पहले तो सारे नमाजियों का शुक्र अदा करना चाहता हूं
कि नमाजियों ने जो है सुकून से नमाज अदा करी मस्जिद में, और साथ के साथ जो है इस्लामिया लोकल एजेंसी के जितने भी टीम के मेंबर हैं और जितने यहाँ पे जिम्मेदार हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नए दिशा निर्देशों के बीच में जो जुमा अलविदा की नमाज अदा करी गई है उस नमाज में कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई। पूरे आगरा शहर की हम बात करें तो पूरे आगरा शहर में कोई प्रॉब्लम ऐसी पैदा नहीं हुई। आज जुमा अलविदा की नमाज है, पूरे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा हो रही है और हुई है। कुछ मस्जिदों में हो गई है, कुछ हो रही है। आपने यहाँ पर भी देखा कि जो नियम कानून है जो थे जो प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण की जो गाइडलाइंस थी उसका पूरी तरह पालन हो रहा है। लोग अंदर नमाज अदा कर रहे हैं और ये एक संवाद उनसे किया गया, उस संवाद का उन लोगों ने पालन किया है। खबर औरैया से है जहां हजरत बाबा शाह जमाल शाह के बिलाल मस्जिद में अलविदा की नमाज को लेकर तैयारियां की गई और लोगों ने सरकार की दी गई गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालन किया। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए। बहुत अच्छा है, चूँकि ये चूँकि हमारा महीना रमजान मुबारक का महीना है और इसमें यह आखिरी जुमा है जिसे जुमारतुल विदा अलविदा के नाम से याद करते हैं, तो इसमें शासन की तरफ से जो भी आदेश दिए गए हैं कि रोड पे या कहीं भी कोई ऐसी जगह जिसमें दूसरों को भी किसी को तकलीफ़ हो, रास्ते में गुजरने वालों को भी तकलीफ़ हो, तो ऐसी जगह नमाज नहीं अदा करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मस्जिद में और अपने रास्ते को। खबर और अयोध्या से है जहां कड़ी सुरक्षा के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में रमजान की आखिरी जुम्मा अलविदा की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान सभी मस्जिदों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आज जुमातुल मुबारका है, यानी रमजान शरीफ का यह आखिरी जुमा है जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस जुमा का खुसूसी एहतमाम करते हैं। वैसे तो हर जुमा का एहतमाम मुसलमान करता है, लेकिन जब जुमा का रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा जिसे जुमातुल विदा कहा जाता है इसका खुसूसी एहतमाम किया जाता है, इसलिए कि हमारा ईमान है ये जुमा ऐसा है जिसमें ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ें इस माह मुबारक के खैर व बरकत की गवाही देती हैं। आज जुमातुल विदा की नमाज है और टाट शाह मस्जिद में और शहर के सभी मस्जिदों में नमाज संपन्न हुई है और सभी में पुलिस व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सभी मस्जिदों में जिम्मेदार अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी। खबर रायबरेली से है जहां चोरों ने एक ही रात में तीन घरों को अपना निशाना बनाया। चैन की नींद सो रहे परिवारों को नशीला पदार्थ सुंघा कर चोरों ने बेधड़क चोरी की और फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक चोरों ने लगभग 17 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। कितना नुकसान हुआ लगभग आपका? लगभग 1.5 लाख का आपका कैश था। अच्छा। और सामान थी पूरा। सामान लगभग कितने थे? सामान लगभग 3 लाख के आसपास थे। 3 लाख के आसपास। अच्छा अच्छा, कैसे जानकारी हुई कि घटना हो गई? सर सुबह जानकारी बाबा ने हमें आवाज़ दिया कि चोरी हो गई, तो हम सुबह जाने लमसम मान के चलो हमें 7-8 हज़ार लाख का हुआ। 7 लाख का जी। अच्छा, पैसा और जो हाँ जी पैसा जी पैसा भी रहा कर एक बहुरिया के पास, बड़ी वाली बहुरिया के पास 8 हज़ार रखे रही। अच्छा, और उससे छोटी वाली जो है लमसम वो बता रही 5.5 हज़ार रखे। अच्छा जी, बाकी जेवर है? बाकी जेवर है, दो बहुरियों के जेवर है, सोने चांदी के। अच्छा अच्छा, कुछ पायल वायल भी थे वो नातिन के, उसमें पाई रहे, मुंडन हुआ रहा। अच्छा, कई चोर लोग कई लोग थे क्या ज़्यादा? सर हम देख नहीं पाए कितने चोर थे। अच्छा, बीती रात मलेरिया क्षेत्र में पूरे गिलिया नामक क्षेत्र में दो सगे भाइयों और एक उसके बगल में घर, तीन घरों में चोरी की सूचना मिली है। इस संबंध में इंस्पेक्टर मलेरिया और फोरेंसिक की टीम वहाँ मौके पर गई थी, उसका निरीक्षण किया गया है। जो पीड़ित हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत कार्रवाई।
यूपी के बरेली में एक ही घर से तीन शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां दंपत्ति और उसकी मासूम बच्ची का शव मिला। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि युवक ने पहले पत्नी और 3 महीने की बेटी की हत्या की, फिर खुद भी फंदे से लटक कर जान दे दी और उसने ये आत्मघाती कदम घरेलू कलह के कारण उठाया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तीनों शव एक ही कमरे में मिले हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के बारे में जानकारी ले रही है। थाना फतेहगंज पूर्वी पर एक महिला के द्वारा ये सूचित किया गया पुलिस को कि आज सुबह उनका बेटे और बहू जगकर अपने कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनके द्वारा दरवाजे को तोड़कर जब उनके कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर उनकी 3 माह की बच्ची और पत्नी मृत पाए हैं और साथ में उनका जो लड़का है वो दुपट्टे के सहारे लटका हुआ उनको मिला। तो उन्होंने पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो मृतक है, जो उनका बेटा है, उसके द्वारा आत्महत्या की गई और मरने से पहले उसके द्वारा संभवतः जो बच्ची है और पत्नी है उनको मारा गया है। तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी तथ्य परिवार के द्वारा सामने आएंगे उनके। कानपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां इतनी गर्मी होने पर भी किसी भी चौराहे पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अभी कुछ ही महीने हुए हैं और गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुरुआती महीनों में ही लोगों का बुरा हाल हो गया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, चिलचिलाती धूप लोगों का इम्तिहान ले रही है और लोग घर से निकलने से पहले गर्मी से बचाव के लिए इंतजाम करते दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो अपने मंत्रियों को आदेश किया था कि जो है कि जो बंद जो तालाब और जो कुएं जो हैं सरकारी जो तालाब थे उसको दोबारा पुनर्जीवित किया जाएगा और जो तालाब है वो तालाब कहीं केवल कागजी कार्रवाई में जो है वो खुलते चले आ रहे हैं और ना ही किसी बारे में कार्रवाई हो रही है। और जो कानपुर में जो लोग हैं, महंगाई का जो इतना दौर है, पहले उसको महंगाई की मार पड़ी, फिर पेट्रोल डीजल की मार पड़ी, उसके बाद कोरोना की महामारी जो है, यहाँ लगातार पेशेंट जो है बढ़ते चले आ रहे हैं कानपुर में। और अब जो है जो ये तापमान टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस कानपुर के प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर है और आप रह चले तो यहाँ चौराहे तो आपको देखने को मिल रहा होगा लगातार। अब मैं कैमरा पर्सन गणेश शर्मा से कहूँगा एक चौराहे को दिखाएं, यहाँ किसी तक किसी भी तरीके से लोगों को भीड़ जो है वो लगातार नहीं नजर आ रही है, क्योंकि चौराहे में सन्नाटा पड़ा हुआ है और जिला प्रशासन ने जो आदेश किए थे स्कूल के बच्चों के लिए कि जो फिक्स टाइमिंग है 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, पर छुट्टी नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो आपको बताएंगे कि जो नगर निगम द्वारा जो है चौराहों पर जो है पेयजल की व्यवस्था नहीं है और उसके बाद जो यहाँ पे है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनूप सिंह है। अनूप जी, ये बताइए कि जो आप कानपुर में रहे हैं, नगर निगम द्वारा जो है वो आपको कितनी सुविधा मिल रही है? नगर निगम द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने वादे किए थे तालाब भरवाएंगे और जो नदियां हैं उनको साफ सफाई की जाएगी, जैसे मैंने देखा सिटीआई नहर पे इतनी गंदगी फैली हुई है और सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, जो ये पानी के ठेकेदार जिस तरीके से पानी बहा रहे हैं, गाड़ियां धुलाई हो रही है, उस तरीके से नलों में सूखापन आ गया है। आपको पता चले जो हमारे साथ एक अनुभव जी थे, उन्होंने बताया कि जो पेयजल की व्यवस्था है वो उसके मामले में जो है नगर निगम के जो दावे हैं वो लगातार गूगल। खबर गाजियाबाद से है, जहां महज 30 रुपए के लिए एक युवक की लोहे की रॉड और ईंट से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि युवक का कसूर बस इतना था कि उसने 3 लोगों को शिकंजी दी थी और उसने पैसे मांग लिए थे, जिसके बाद तीनों युवकों ने उसे बेरहमी से मार डाला और जैसे ही इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को हुई, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि मृतक घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति था और उसका 1-9 साल का बेटा था। और क्या बोलते इसको, निगमियों के ऊपर लड़ाई हुई थी, उन्होंने मार पिटाई बहुत ज़्यादा की हुई उनके साथ, हम हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ हमारा। कितने बेटे आपका? एक बेटा है, कितनी उम्र है? 9 साल का। आप किराए पर रहते हैं अपना मकान? किराए पर रहते हैं। अच्छा, पुलिस कुछ कह रही है? पुलिस ने कुछ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, एप्लीकेशन भी लेके। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मुझे ये चाहते हैं, मुझे इंसाफ मिलना है, मेरे पति का भी, मेरे बच्चा है। रात्रि में श्रीमती ज्योति ने थाना नंदग्राम में यह कह दी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जलजीरा की दुकान लगाते हैं,
उनके पास बॉबी जो कि रिक्शा चलाता है तो अन्य व्यक्तियों के साथ आया और गौरव से शिकंजी लेकर पी। जब गौरव ने उनसे पैसे मांगे तो इनमें आपस में विवाद हो गया और गौरव को इन लड़कों ने पीटा और उसको गंभीर अवस्था में जो है उनके परिवार के लोग। अलीगढ़ के रामघाट रोड इलाके के एक नर्सिंग होम में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर डॉक्टरों के खिलाफ हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में डॉक्टर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और देर शाम तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर महिला को मेडिकल कॉलेज भेजने लगे। वहीं परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। घबराहट हुई थी मेरी भाभी के लिए बहुत। हमने बोला था नर्स से डॉक्टर नहीं को बुलाओ, उन्होंने डॉक्टर नहीं को नहीं बुलाया, वो हो रही है ऐसे घबराहट होती रहती है इनके लिए। मैंने कहा ये पानी पानी मांग रही है, इन्हें पानी आने पिलाओ। हमने कहा थोड़ा ढक्कन पिला दो, मैं ढक्कन मत पिलाना, इन्हें को होठ गीला कर दो। भैया करी भाभी दीदी मेरी बहुत तबियत खराब हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो मैं तो घबरा मत दी, नमस्ते टाटा बाय बाय, मैं अब नहीं बचूंगी, मैं जा रही हूँ। मैंने ऐसा चौक कह रही है, पैर खेक रही है, हाथापाई कर रही है, मैं फिर भी कह रही हूँ डॉक्टर नहीं को बुला, डॉक्टर नहीं को बुला। सर ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं आ रही यहाँ पर, मगर कोई नहीं आया। अच्छा कब भर्ती किया था आपने? आज सुबह। अच्छा बच्चा क्या पैदा हुआ? लड़की हुई है। लड़की सही है? लड़की सही है। तो इसमें किसकी लापरवाही? लाउडस्पीकर विवाद के बीच ईद से पहले आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। जुमा अलविदा और ईद की नमाज का समय शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने मुकर्रर किया है। वहीं नमाज के समय को मुकर्रर करते हुए शहर के मुफ्ती ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें जुमा अलविदा की नमाज और ईद की नमाज का समय मुकर्रर करते हुए अलीगढ़ की आवाम से सड़कों पर अलविदा जुमा और ईद की नमाज नहीं पढ़ने की अपील की गई है। कल मैंने बयान भी जारी किया है, अखबारात को भी लिख दिया गया है, उर्दू में भी हिंदी में भी, ताकि सबको ये मालूम हो जाए। आज जो अलविदा है और लोगों के जज्बात हैं, दो साल के बाद ये मौका मिल रहा है, लेकिन मैंने ये बार बार ताकीद की जाती रही है। आज फिर कल फिर मैंने ये ताकीद की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बड़े इज्तम ना हो। संभल से है जहां चंदौसी पुलिस ने 5 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा किया है। वही मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 24 तारीख की रात को करीब 11:30 बजे मृतक को नशा कराने के बहाने से अपने साथ बहजोई से शादी समारोह में से लेकर चंदौसी मौलागढ़ ले गया था, फिर उसे गांजा और शराब पिलाई थी। फिर मेरे भाई राहुल ने विनोद के सिर पर पीछे से ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी हत्या हुई थी। बता दें कि मृतक के पिता ने पुलिस को मामले की सूचना दी थी। यह सूचना मिली थी कि चंदौसी के पास में रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर इसमें FIR पंजीकृत की गई। इस FIR में एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र है, ये संज्ञान में इसका आया कि ये मृतक का जानने वाला था। मृतक विनोद जो कि बहजोई कस्बे का रहने वाला है, इसका जो अभी अपराधी पकड़ा गया है, इसकी विधवा भाभी के साथ अवैध संबंध था। इसी बात से नाराज होकर इस रविंद्र के द्वारा विनोद की हत्या ईंट से सर कुचलने से की गई। उसके बाद इन्होंने किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इसके शव को रेलवे ट्रैक पर रखा। दूसरा अन्य व्यक्ति अभी हम लोगों की जांच पड़ताल में, इसके भाई का नाम राहुल जो सामने आ रहा है, इसके बारे में अभी तफ्तीश की जा रही है। एक रविंद्र पुत्र प्यारे लाल निवासी मोहल्ला नई बस्ती कस्बा बहजोई, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।